फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि आप सबने काफी सब्सक्राइबर भी इंक्रीज किए, साथ ही साथ आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो मेरे काम को। जो भी मैं आपको क्वेरीज दे रहा हूँ इंडस्ट्री वेस्ट, उसको बहुत ज्यादा आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आपकी कमेंट से एक क्वेरीज थी कि सर, हमें ऑटोकैड 3D सीखना चाहिए या गूगल स्केचअप सीखना चाहिए। और आप सोच रहे होगे कि सर, कुछ लोगों को तो पता होगा कि चलो मुझे ऑटोकैड पता है, कुछ लोगों को स्केचअप पता होगा, तो उनको तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, बट जिसने सीखा नहीं है उसको थोड़ी सी डाउट आ रहे होंगे। और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि गूगल स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है 3D के लिए कि इतना इजी और बेस्ट रेंडरिंग क्वालिटी, रेंडरिंग इन द सेंस रिजल्ट क्वालिटी जो देता है, वो गूगल स्केचअप के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर दे ही नहीं सकता है। रेविट कहीं ना कहीं अच्छा होता है 3D मॉडलिंग के लिए, बट गूगल स्केचअप से ज़्यादा अच्छा नहीं। गूगल स्केचअप चाहे इंटीरियर कर लो चाहे एक्सटीरियर कर लो, हर काम के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजी है। मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपेयर में सबसे ईजी सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो गूगल स्केचअप है। मैंने खुद भी उसको 2-3 days में कंप्लीट सीख लिया था, इतना ईजी सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं। और पहली बार तो मैं सीधे इंटरव्यू में सीखा था, इंटरव्यू में गया तो वहाँ पे मेरे से बोला क्या कि आप गूगल स्केचअप जानते हो, तो बड़ा कॉन्फिडेंस था। मैंने बोला हाँ, मैंने देखा भी नहीं था। मैं वहाँ पे जा गया और वहाँ पर उन्होंने मुझे एक एक्सटीरियर दिया डिजाइन करने के लिए, तो मैं उधर ही जाके सीखने लगा और मैंने लगभग 60% काम वहाँ पर डन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे लगभग दिए थे, तो हो गया था। मतलब इतना ईजी सॉफ्टवेयर है कि कोई पहले से इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगी दूसरे सॉफ्टवेयर्स की। मतलब माउस पे हाथ सेट होना चाहिए, बाकी तो सब जिसको भी पता है, बस इंपोर्ट करना है अपने जो भी ऑटोकैड की फाइल है, सही तरीके से इंपोर्ट करना सीख लो और फटाफट उसको 3D कन्वर्ट करते चले जाओ। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर अगर आप सीख रहे हैं तो गूगल स्केचअप आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है 3D मॉडलिंग के लिए, चाहे वो इंटीरियर के लिए। ईजी मेथड में अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, बेहतरीन के लिए तो ऑफकोर्स 3ds Max है, एवरीवन नो, मैंने पहले भी बताया है बेहतरीन के लिए, बट बेहतर के लिए गूगल स्केचअप इज बेस्ट। अब मैं बात करूंगा ऑटोकैड 3D का। यार देखो, आपने ऑटोकैड 2D के लिए कहीं ना कहीं फीस तो आपने पेड किया होगा, तो आपको 3D तो मिला ही होगा। मतलब ऑटोकैड में 3D पढ़ाने के लिए तो उन्होंने बोला होगा। इस केस में आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। मतलब कि आप ऑटोकैड 3D अगर सीख लेते हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी कि छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स है उनके लिए क्या कर सकते हो, आप ऑटोकैड से ही 3D तैयार करके दे सकते हो, जिसमें ज़्यादा एलिवेशन वगैरह नहीं देना है, ज़्यादा रेंडरिंग की क्वालिटी उनको नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट टू सी कि हाउ दैट्स लुक आफ्टर द मैन्युफैक्चर और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में आप ऑटोकैड से बना के उनको दे दो। बट अगर किसी ने बोला नहीं, मुझे बेहतरीन क्वालिटी का रेंडर और ऐसा घर चाहिए, मतलब उन्होंने रेफरेंस में बहुत अच्छा वाला डाउनलोड करके आपको दिया है, जैसे भी हो, तो उस केस में आप सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं, तो उसके लिए गूगल स्केचअप इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। कई लोगों की एक क्वेरीज और थी कि सर, मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर हम कहां से डाउनलोड करें। यार उसके लिए ना, यहां पर नीचे मैं अपने ईमेल आईडी और दूसरा आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है अगर मैं किसी भी जगह को बताता हूं कि यहां से आप डाउनलोड करके जाएंगे, तो यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ है। पता नहीं कैसे दूसरे लोग बताते हैं, मैंने एक बार कट किया था तो गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ ये हो गया था कि मेरा चैनल सस्पेंड कर दिया था ऑटोडेस्क के तरफ से, क्योंकि मैंने ऑटोकैड को बताया था कि इस तरीके से करते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करिए कि यहाँ पे मत इस क्वेश्चन को पूछिए, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं आपको सॉफ्टवेयर की लिंक दे दूंगा कि यहाँ से जाइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर किया तो यार, अभी इतना मेहनत से इस चैनल को आप लोगों ने बड़ा किया और कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे बहुत थोड़ा सा इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबसे मिलने के लिए। एक और अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि मैं अभी हर संडे आपके साथ लाइव आऊँगा, वो चाहे 10 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो। अभी मैं टीम से बात करके जो मेरा टाइम फ्री है उस टाइम को मैं आपको बता दूंगा किस टाइम पे मैं आऊँगा, तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन हैं डायरेक्ट वहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं, और उसके अलावा आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए कंफ्यूज हो, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग पूछ सकते हैं। बस ऐसे ही आप टच में बने रहिए और संडे को जो भी टाइम होगा मैं आपको जल्दी ही कन्वेंस कर दूंगा कि यहाँ पे क्या टाइम होगा लगा दिया जाए।
और मैं भी अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर आपकी क्वेरीज है तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑटोकैड आप समझ गए होंगे, 3D एक जस्ट अ टूल है, तो अगर मिल रहा है तो आप फ्री में मिल रहा है तो सीख लो। मैंने खुद भी बताया हुआ है इसमें मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम क्या पूरा 3D बताया लगभग, और आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। और उसके अलावा गूगल स्केचअप के मैंने 2-3 ट्यूटोरियल बनाए हैं यार, सॉरी बट मुझे ट्यूटोरियल में ना रिस्पॉन्स नहीं मिले आपके, इसके लिए थोड़ा सा मुझे ना मतलब आगे बताने का मन नहीं किया गूगल स्केचअप को। मैंने 2-3 पार्ट बनाए और मैंने बोला था कि अगर अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, तो हो सकता है उसके लिए ऑडियंस मेरे पास कम हो, क्योंकि अपने पास लगता है कि ज़्यादातर ज़्यादा स्ट्रक्चर और BIM के स्टूडेंट्स हैं, तो शायद इसकी वजह से BIM के लिए भी बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मतलब ये BIM जो है, एक्चुअली आप लोग BIM कन्फ्यूज रहते हो, BIM एक सेट है ठीक है, BIM 360, मतलब उसके अंदर सारा कुछ कवर होता है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू पूछा गया था व्हाट इज BIM 360, तो BIM 360 मतलब कि उसके अंदर सारा का सारा काम आप कर रहे हो, मीन स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, MEP और क्या बोलते हैं इसकी एस्टिमेशन, और इसके बाद वॉक थ्रू, ये सारा कुछ आपका कंप्लीट होता है, तो उसमें ये चीज़ें यूज होती है। तो गूगल स्केचअप आप एज अ 3D BIM में जो 3D पार्ट है, क्योंकि 3D 4D 5D 6D 7D करते हो, मैंने बताया भी पहले, और अगर नहीं आपने देखा तो उसको भी जाकर ट्यूटोरियल देख लेना, बहुत से ट्यूटोरियल मैंने बना दिए हैं। मैं अभी देख रहा था 315 ट्यूटोरियल, एक तरीके से मैं यूनिवर्सिटी तैयार कर दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप सीखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा यार करते रहो अप्रिसिएट, और साथ ही साथ आपने मैनुअल डिज़ाइन पे ध्यान दो। मैंने आपको बोला है कि मैं 10K के बाद आपको मैनुअल डिज़ाइन स्टार्ट करके बताऊंगा, लेकिन अगर उससे पहले पढ़ना है तो मैंने एक बुक भी बताई थी, वो बुक बहुत अच्छी थी यार, उसको खरीद लो, और क्या बोलते हैं 600-700 रुपये में आपको पूरा मैनुअल डिज़ाइन बता देते हैं वो लोग, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। क्योंकि उस बुक में कौन सी बुक थी, डॉक्टर वी एल शाह की, उस बुक में जो है उन्होंने कई टाइप्स के कॉलम लिए, मतलब एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग, सब तरह के कॉलम लिए हैं, इवन यूनि एक्सियल लोडिंग कॉलम है भी हैं, तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।